हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सिलरी आर्टरी जो कि एक्सिला के कंटेंट्स में से एक है, ठीक है। कल का लेक्चर हमने पढ़ा तो हमने जाना कि एक्सिला की बाउंड्रीज किस तरीके से होती हैं, ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स उनके अंदर आते हैं। तो उनमें से एक चीज़ है एक्सिलरी आर्टरी। इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये फर्स्ट रिब से शुरू होगी और ये कॉन्टिन्यूएशन है सब क्लेवियन आर्टरी का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के जितनी भी आर्टीरियल ब्रांचेस हैं वो सब हार्ट से निकलती है, ठीक है। हार्ट में जो एओर्टा है वो मेन आर्टीरियल ब्रांच है, ठीक है। एओर्टा के पास एक आर्च ऑफ एओर्टा है, उसी की एक ब्रांच है, उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन है आर्च ऑफ एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा से सब क्लेवियन आर्टरी आती है, ठीक है। वो अलग बात है कि वहाँ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनेगा या कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आएगी और लेफ्ट सब क्लेवियन आएगी, वो सब चीज़ें हम हार्ट के साथ ही समझेंगे। लेकिन जो ये सब क्लेवियन आर्टरी है ये आर्च ऑफ एओर्टा से आने वाली एक ब्रांच है, ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए। और उसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक्सिलरी आर्टरी होती है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान देनी है कि एक्सिलरी आर्टरी सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच नहीं है, ये उसी आर्टरी का कॉन्टिन्यूएशन है। जैसे ही हम इस फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को देखते हैं कि ये आर्टरी जब इस पार्ट को क्रॉस करेगी तो यहाँ एक्सिला में उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी होगा। और ये नाम भी कहाँ तक रहने वाला है इसका? ये जो मसल है, जिस मसल को हम यहाँ देख रहे हैं, इस मसल को हम टेरिस मेजर मसल कहते हैं। तो टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक इसका नाम एक्सिलरी आर्टरी रहने वाला है। आगे की तरफ जब यही आर्टरी कंटिन्यू करेगी तो ये ब्रेकियम, ब्रेकियम का अर्थ क्या होगा? आर्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है। आर्म के अंदर आने पर इस आर्टरी का नाम क्या होगा? ब्रेकियल आर्टरी होगा, ठीक है। ये सेम ही आर्टरी का कंटिन्यूएशन है। तो देखेंगे कि सब क्लेवियन आर्टरी से लेटरल बॉर्डर या आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एक्सिलरी आर्टरी बनेगी, जो कि कहाँ तक है? इन्फीरियर मार्जिन ऑफ टेरिस मेजर, और उससे आगे ये ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होगी। तो इसकी जो पोजीशंस हैं, रिलेटिवली पोजीशंस बदलती हैं। यदि आर्म हमारी बाय द साइड हैंग कर रही है, जैसा हम नॉर्मली पोजीशन में रहते हैं, नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में, देन इट विल बिकम बोल्ड कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्सिटी लिए हुए होगा, इस तरीके से होगा। मान लीजिएंगे कि यहाँ पर हमारा जो आर्म है, ठीक है, ये हमारा आर्म है और यहाँ हमारा थॉरेक्स है, ठीक है। तो ये आर्टरी इस तरीके से कॉन्वेक्सिटी लिए होगी। लेकिन अगर हम आर्म को एब्डक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, अगर 90 डिग्री पर एब्डक्ट करेंगे तो इसका कोर्स जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, जैसे हम पीटी करते हुए करते हैं। तो ये 90 डिग्री पर इसका जो कोर्स होगा वो स्ट्रेट कोर्स होगा। और अगर हम आर्म को अबव हेड लेकर के जाते हैं, ठीक है, हाथ को ऊपर की ओर करते हैं, तो आर्टरी कैसी होगी? कॉनकेविटी लिए हुए होगी, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड्स होगी। उसके बाद एक्सिलरी शीथ आती है। एक्सिलरी शीथ क्या है? जो एक्सिला के अंदर या फिर सर्वाइकल रीजन के अंदर जो फेशिया है, डीप फेशिया है, उसी से एक्सिलरी शीथ का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक तरीके का फेशिया ही होता है, एक कवरिंग है जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे जिसमें एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये एक्सिलरी शीथ के अंदर आते हैं, जबकि एक्सिलरी वेन जो है वो इससे बाहर की ओर होती है। इस शीत के अंदर एक्सिलरी वेन नहीं आती है। तो वाइवा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ एक्सिलरी शीत। तो वहाँ पर हमें लिखना है एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस के कोर्ड आते हैं, ठीक है। कोर्ड्स जो भी होंगे वो इस शीत के अंदर आते हैं। एक्सिलरी वेन क्यों नहीं आती है? क्योंकि वेनस रिटर्न के दौरान इस वेन को एक्सपेंड करना होता है और ज़्यादा एक्सपेंडेड होना होता है, इसलिए शीत के अंदर ये नहीं आ सकती। द
तो इस तरीके से हम जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं कि ये जो येलो मार्जिन्स हैं, येलो कलर से हैं, वो हमारे कॉर्ड्स हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। तो और बीच में जो है हमारी एक्जिलरी आर्टरी है, ठीक है। और एक्जिलरी आर्टरी के रेफरेंस में ही हम इसको लेटरल कॉर्ड, क्योंकि ये शरीर से बाहर की ओर है, ये मीडियल कॉर्ड क्योंकि ये मिड लाइन की ओर है, और ये पोस्टीरियर कॉर्ड क्योंकि ये पीछे की ओर है, ऐसा नाम देते हैं। इस शीथ के अंदर इसकी पोजीशन इस तरीके से है, इसलिए इन कॉर्ड्स का नाम ऐसा होगा, जबकि एक्जिलरी वेन यहाँ से बाहर रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम एक्जिलरी आर्टरी के पार्ट्स की बात करते हैं। तो एक्जिलरी आर्टरी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, तीन पार्ट इसके हैं। और ये चीज़ें डिवाइड हुई हैं पेक्टोरेलिस माइनर मसल की वजह से, ठीक है। जो ये पेक्टोरेलिस माइनर मसल है, इस मसल की वजह से जब ये आर्टरी के ऊपर से क्रॉस करती है, ठीक है, इस क्रॉसिंग की वजह से ये क्या होगा, आर्टरी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट जो इससे पहले हुआ है, एक पार्ट जो इसके बाद है, और एक वो पार्ट है जो मसल के नीचे है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो पेक्टोरलिस माइनर के मीडियली होता है, ठीक है, इससे जस्ट पहले जो होगा जो मीडियल साइड में होगा, सेकंड पार्ट जो होगा उसके पीछे रहने वाला है, पेक्टोरलिस माइनर के पीछे, और थर्ड पार्ट जो है वो पेक्टोरलिस माइनर के लेटरली रहने वाला है। ब्रांचेस की जब बात करते हैं तो ये बहुत ही आसान है कि फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच, सेकंड पार्ट से दो ब्रांच और थर्ड पार्ट से तीन ब्रांच, टोटल हमारे पास छः ब्रांचेज हैं एक्जिलरी आर्टरी की। तो जो इसकी फर्स्ट ब्रांच है उसको हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो रीजन है ये, ठीक है, समवट थोरेक्स रीजन है, थोरेक्स के ऊपर का हिस्सा है, इसलिए सुपीरियर थोरेसिक होगी। दूसरे पार्ट से जो ब्रांचेस होंगी उसे हम कहेंगे थोरेको एक्रोमियल ब्रांच या थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तीसरे पार्ट से जो ब्रांचेस होंगी वो क्या होंगी, सब स्कैपुलर आर्टरी। तो ये जो है लार्जेस्ट ब्रांच है एक्जिलरी आर्टरी की, ठीक है। अब इस एक्जिलरी आर्टरी की जो सबसे बड़ी ब्रांच है ये सब स्कैपुलर आर्टरी है, ये भी क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है, इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं, 1 2 3, फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच, दूसरे से दो और तीसरे से तीन, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके के निमोनिक्स भी बनाते हैं, सम टाइम लाइफ सीम्स ए पेन, ठीक है, कई बार ज़िंदगी ऐसा लगता है कि दर्द के जैसी है। तो ये कॉर्ड जो है जनरली सबको याद रहता है, सब को रिलेट करते हैं उससे। एस से जो है हम सुपीरियर थोरेसिक याद रख सकते हैं, टी से थोरेको एक्रोमियल याद रख सकते हैं, लेटरल से लेटरल थोरेसिक याद रख सकते हैं, सीम्स में जो एस आता है उससे सब स्कैपुलर याद रह जाती है, ए पेन में ए और पी इंटीरियर और पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स ह्यूमरल को याद रखवा सकते हैं। उसके बाद सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो है वो हमें कहाँ मिल सकती है, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी, बिल्कुल सामने की ओर रहने वाली है ये, अपर रीजन्स ऑफ मीडियल एंड इंटीरियर एक्जिलरी वॉल, ठीक है। तो एक्जिला अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप एक्जिला पढ़ लें, उसकी मीडियल और इंटीरियर वॉल को जान लें, तो उसकी जो अपर मार्जिन्स हैं वहाँ पर आपको सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी मिल जाएगी। थोरेको एक्रोमियल कहाँ पर होगी, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी, बिल्कुल सामने ही रहेगी ये, ठीक है। और ये पियर्स करती है फिर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ये हमने कल भी जिक्र किया था क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का, ये उसको पियर्स करेगी और चार ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी। ये ब्रांचेस हैं पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच और एक्रोमियन ब्रांच, ठीक है। चार ब्रांचेज जो हैं वो थोरेको एक्रोमियल की बाद में हो जाती हैं, पेक्टोरल, डेल्टॉइड, ये दो मस्कुलर ब्रांच हैं, 2+2 करके इसको याद रख सकते हो, दो जो हैं वो मसल को देंगी और दो जो हैं वो बोन के लिए हैं, क्लेविकुलर और एक्रोमियल ब्रांच।
ठीक है, इस तरीके से हम एक्सिलरी आर्टरी को देखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट से आने वाली सुपीरियर थोरेसिक है, सेकंड पार्ट से थोरेको एक्रोमियल है, जिसके आगे चार पार्ट हैं, एक्रोमियल, डेल्टोइड ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच और क्लेविकुलर ब्रांच। ठीक है, थर्ड पार्ट से फिर हमारे पास ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल दोनों, क्योंकि एनास्टमोस करती हैं ह्यूमरस के हेड पर, ठीक है, शोल्डर जॉइंट को इनकी सप्लाई रहती है, और ये सबस्कैपुलर आर्टरी जो काफ़ी बड़ी ब्रांच है। इस तरीके से भी इनको हम याद रख सकते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबस्कैपुलर जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, ऑब्वियसली स्कैपुला पीछे है तो ये पोस्टीरियरली मिलने वाली है, पोस्टीरियर वॉल पर रहती है एक्सिला के, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस होंगी आगे वो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और थोरेको डोर्सल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल को हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस में इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो इसी पर रहेगा, स्पेसेस ऑफ बैक पर, तब हम इन स्पेसेस के बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रांचेस हैं। उसके बाद स्कैपुलर एनास्टमोसिस है। स्कैपुलर एनास्टमोसिस में क्या होगा कि स्कैपुला के चारों ओर अलग अलग जगह से आने वाली ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, एनास्टमोस करती हैं। वो किस तरीके से है, हमने देखा कि सब क्लेवियन आर्टरी आगे चल करके एक्जिलरी के अंदर कन्वर्ट होती है, और उसी की जो ब्रांच है, ठीक है, और एक्जिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की जो ब्रांच है वो सुप्रा स्पाइनस, इन्फ्रा स्पाइनस और सब स्कैपुलर फोसा में मिलती हैं आपस में। तो वो कौन कौन सी ब्रांचें जो आपस में मिलेंगी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। तो जो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है ये हमें सबक्लेवियन से मिल जाएगी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर जो है वो हमें एक्जिलरी से मिल जाएगी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है ये भी हमें सबक्लेवियन से मिल जाएगी। तो ये सब आपस में स्कैपुला के चारों ओर एनास्टमोसिस करके यहाँ रहने वाली सभी मसल्स को अपनी सप्लाई देते हैं। तो ये सब एक्जिलरी आर्टरी के बारे में था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए, हम उसे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।